बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीद कर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था। ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के चार बेटे थे, उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रुई को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो हमारी संपत्ति और रुई के दुकान का ध्यान रखो, अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रुई को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को चारों भाई बांट लेना। इसके आगे के दो पैरों को दो बड़े भाई और पीछे के दो पैरों को दो छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के चार पैरों को चारों भाई बांटे। बड़ा, दूसरा, तीसरा, उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगी। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगा कर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रुई के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रुई में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रुई जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रुई जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तू ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए चारों भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रामन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी तीन पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी, इसीलिए तुम तीनों को छोटे का ही भरपाई करना होगा, बोलकर रमन्ना ने इंसाफ किया। उनके बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रमन्ना की बात भी सच होने पर तीनों बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रमन्ना ने चारों भाइयों को बुलवाया। तुम चारों भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम चारों भाई एक समान बांटो करके तुम्हारे पिता ने। आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे। प्यार के तरबूज। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे 5 गज की जमीन थी। उस जमीन में वह तरबूज का फल उगाता था। ऐसे उगी हुई फसल के तरबूजों को उस गांव के बीचों बीच दुकान रखकर बेचता था। राम के उगाए हुए तरबूज अच्छे होंगे करके सब आकर खुशी से खरीदते थे।
ऐसे कमाए हुए उन पैसों से उसके इकलौते बेटे सुरेश को शहर में आगे की पढ़ाई कराता था। ऐसे उसका परिवार खुशी से रहता था। और फिर जैसे हर किसी का समय हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, वैसे ही राम को एक साल से तरबूजों के व्यापार में नुकसान आ रहा था। इसका कारण था कि फसल टी खाने पर भी खरीदने वालों की गिनती कम हो जाना। इससे बहुत देर तक तरबूजों के ऐसे रहने पर वे सब खराब हो जाते। इस बार भी अच्छी फसल आई, पर फिर भी खरीदने वाला तो है ही नहीं। तब उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि राम, ऐसे इन्हें और कितने दिन रखकर खराब कर लोगे? तुरंत शहर जाकर बड़े बाजार में बेच दो, कम से कम उसके पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है करके गाड़ी पे तरबूजों को लेकर शहर चला राम। शहर में भी उसने दो तीन रुककर देखा, लेकिन फिर भी उधर गिराक और खरीदने वाले व्यापार भी ना होने पर वापस गांव लौटते हुए उन तरबूजों को नदी में फेंक दिया। एक समय में कितने अच्छे से जिंदगी को जी रहा था, हे भगवान, अब मेरी स्थिति पूरी उल्टी हो गई। बोलते हुए रोककर घर पहुंच गया राम। फिर बाद में शहर में पढ़ने वाले उसके बेटे सुरेश को बुलवाया और पूरी स्थिति का विवरण किया। देख बेटा, फसल के व्यापार में पूरा नुकसान हो गया, एक रुपये की भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, किसी न किसी दुकान में काम करके अब तुझे ही हमें संभालना होगा। पर मुझे ये बताओ पापा, कि अब तरबूजों को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बोलकर सुरेश ने प्रश्न किया। हमारे ही नहीं बेटे, असल में वह तरबूज बहुत पुराने समय से फल है, उन्हें तो पहले से ही देखते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे लोग तरह तरह के नए फलों को पसंद कर रहे हैं। बोलते हुए पापा ने विवरण दिया। ठीक है पापा, आप अपने सेहत का ध्यान रखकर आराम कीजिए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। बोलकर सुरेश ने पापा को हिम्मत दिया। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था, वह पूरी रात बिना सोए गुजारा। लोगों में तरबूजों को पसंद कैसे किया जाए, क्या करूं करके सोचता रहा। आखिर में वह एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह ही उसके पापा को पूरा उपाय बताया और दिल के आकार के प्यारे डिब्बे तैयार करवाया। उन डिब्बों में तरबूजों को छोटे होने पर भी उन्हें उस दिल के डिब्बे में रखा। बाद में वह बढ़ते बढ़ते उसी आकार में बड़े हुए। फिर उन फसलों को काट कर गाड़ी पे लेकर पापा और बेटे दोनों मिलकर शहर ले गए। उस दिन की तारीख 14 फरवरी था। वो दिन प्यार करने वालों का था। उन्हें बाजार में रख कर चिल्ला रहा था कि आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, प्यार के तरबूज, आपने इन्हें कभी भी नहीं देखे होंगे। आप इन दिल के आकार के प्यारे तरबूजों को लेकर आपके प्यार को खुश करो। तेरी की तो आपका प्यार और दिल के आकार का प्यारा सा तरबूज दोनों हाथ से छूट जाएंगे। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। बोलते हुए सुरेश बेच रहा था। वह तरबूज दिल के आकार में होने पर इस बार उनके प्यार को और ज्यादा नए तरीके से बता सकेंगे करके प्यार करने वाले सारे थोड़ा ज्यादा दाम होने पर भी जल्दी जल्दी आकर खरीदने लगे। ऐसे एक घंटे में ही सारे फल खत्म हो गए। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है रे, तेरी पढ़ाई में ही रुकनी चाहिए। बोलते हुए सुरेश की बुद्धि को पापा ने बहुत तारीफ की। कुछ क्षणों में ही तरबूजों को बेचने पर गांव के सारे लोग चौंक गए। ऐसे पहले आई हुई नुकसान के भरपाई होकर इस बार और भी ज्यादा कमाई हुई। उसके बाद भी तरह तरह के आकारों में तरबूजों का फसल उगाकर अमीर बन गए। तबेले में हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वो जब अकेले चारा चर रही थी तो उसे भेड़िये ने देखा और उसका शिकार करना चाहा। वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में बहुत तेज भागने लगी। वो भागते भागते जंगल के पास के गांव में चली गई। पिछली बार जब भेड़िया उस गांव में गया था तो गांव के किसानों ने उसे मार मार कर भगा दिया था। उसे वो याद आ गया और वो वापस जंगल में आ गया और हिरन पास के गायों के तबेले में आ गई। उसे देखकर एक गाय ने उससे कहा, अपनी जान बचाने तुम यहाँ आ तो गई हो,
पर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तुरंत चले जाओ वापस। हिरन ने जवाब दिया, दोस्त मैं अपनी जान बचाने यहाँ आई थी, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊंगी, बस कुछ समय यहाँ रहने दो। हिरन की ये बात सुनकर गाय ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद काम वाले वहाँ आए और गायों को चारा पानी डालकर चले गए, पर उन लोगों ने वहाँ उसे नहीं देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम्हें इन लोगों ने नहीं देखा, पर ज्यादा देर तक तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। कुछ समय बाद हमारा मालिक भी आएगा, उसकी नजरों से तुम नहीं बच सकती। हिरन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर गाय ने कहा, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा यहाँ से भेजूं। चलो खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मालिक के आने से पहले यहाँ से चले जाना। वो गायों के साथ ही चारा चरने लगी, तभी वहाँ मालिक आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे गाय क्यों भूखे हैं? जितना चारा हमेशा डालता था उतना ही तो आज भी डाला, फिर भी ये क्यों भूखे हैं? ये कहकर वो जांच करने लगा। जैसे ही उसने गायों को और देखा तो उसे हिरन के सींग नजर आए और वो सोचने लगा कि इस हिरन की वजह से ही उसके गाय भूखे हैं। तुरंत उसने अपने काम वालों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दिया। वो खाना खाकर जंगल वापस ही जाने वाली थी कि उसे मार पड़ने लगी। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जंगल आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उसने गाय की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता।